बड़ी बुजुर्गों द्वारा बताए गए सुनिए। 5 मिनट का समय लगाकर जरूर सुने और देखें। नंबर 1, गले में खराश होने पर 2-3 तुलसी की पत्ती के को पानी में उबालें और उस पानी से गरारे करें, खराश मिट जाएगी। नंबर 2, मुंह का अल्सर होने पर पका केला और शहद मिलाकर खाने से तुरंत राहत मिलती है। इसे पेस्ट बनाकर भी मुंह में लगाया जा सकता है। नंबर 3, डार्क सर्कल होने पर संतरे के रस को ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके आंखों के नीचे लगाएं। नंबर फोर, शरीर पर कहीं जल गया हो तो तेज धूप से त्वचा झुलस गई हो, त्वचा पर झुर्रियां हो या कोई त्वचा रोग हो तो कच्चे आलू का रस निकालकर उस पर लगाएं। नंबर 5, 1 ग्राम सूखा धनिया, 1 ग्राम सफ़ेदा और 2 ग्राम मिश्री को पीस कर ताजे पानी के साथ खाया जाए तो उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहता है। नंबर 6, धड़कन बढ़ने पर सेब का मुरब्बा सुबह शाम खाने से लाभ होता है, धड़कन नहीं बढ़ती है। नंबर 7, आँख में मच्छर चला जाए तो उल्टे पाँव पीछे चलने से मच्छर निकल जाता है। नंबर 8, लगाने से दाद और खुजली भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। नंबर 10, चेहरे पर झाइयों पर तारपीन का तेल लगाकर कुछ देर बाद धो ली, असरदार उपाय है। नंबर 11, होठों पर कच्चा दूध लगाने से उनका कालापन दूर हो जाता है। नंबर 12, तुतलाहट की समस्या से छुटकारा पाने के लिए 2 ग्राम भुनी फिटकरी मुंह में रखकर सोना चाहिए। 3 महीने में समस्या समाप्त हो जाएगी। नंबर 13, महिलाओं को पीरियड्स, मासिक धर्म, माहवारी, रोजानिवृत्त में होने से दूध पीना चाहिए। इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और दर्द में आराम होता है। नंबर 14, कमर दर्द, स्लिप डिस्क और आधा में होने पर आधा चम्मच गुगल गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार लें। इस उपाय को करते ही दर्द में आराम हो जाएगा। नंबर 16, गंजेपन से छुटकारा पाने के लिए 5 चम्मच दही में 1 चम्मच नींबू का रस और 2 केले चने का पाउडर मिलाकर उसे 1 घंटे तक सिर पर लगा रखें, उसके बाद सिर को धो लें, ऐसा 3 हफ्ते करें। नंबर 18, मोटापा कम करने के लिए अपने भोजन में मिर्च, ग्रीन टी, सूखी मेवे और हल्दी को शामिल करें। नंबर 19, गर्भवती महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी करनी हो तो चलना फिरना बेहद ज़रूरी है। जितना शारीरिक रूप से एक्टिव होंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। नंबर 20, गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 21, कान में कीड़ा चला जाए तो सरसों का तेल कान में डाल दें, इससे कीड़ा बाहर निकल आएगा। नंबर 22, छोटी इलायची को पीसें, इसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर मुंह के छालों पर लगाएं, इससे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। नंबर 23, माइग्रेन की समस्या से अगर आप परेशान हैं इसके लिए दवा लेना बंद कर दें। आपको रोज़ाना लेवेंडर की चाय पीने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। दरअसल लेवेंडर की कुछ बूंदों से आप चाय में मिलाकर फिर उसमें अपने रुमाल या टिश्यू पेपर में डालकर सूंघें तो माइग्रेन जल्द ख़त्म हो जाएगा। यह आपके शरीर को रिलैक्स के साथ साथ दिमाग को भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करने में मदद करेगा।
24 आग से जले जाने पर अगर कच्चे आलू को पीसकर उसका रस निकालकर उसे जले हुए स्थान पर लगा दिया जाए तो काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा इमली की छाल जलाकर महीन चूर्ण पीसकर उस जले हुए भाग पर लगाएं, इससे भी आराम मिलता है। नंबर 25 अदरक और शहद का इस्तेमाल करके आप अपनी सर्दी जुकाम गले की खराश को छू मंतर कर सकते हैं। जी हाँ, यह दादी माँ का सबसे खास नुस्खा है। इसका इस्तेमाल आज भी लोग सर्दियों के लिए करते हैं। कोरोना में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसके लिए आपको अदरक और शहद एक को साथ मिलाकर खाने से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। वहीं गले में होने वाली सूजन और जलन में भी राहत मिलेगी। नंबर 26 मोटापे से परेशान हैं और इसे दूर करने के लिए अब तक कोई उपाय कर चुके हैं तो अब आप यह एक उपाय करके देखें। इसके लिए आपको एक नींबू का रस एक गिलास जल में प्रतिदिन खाली पेट पीने से मोटापा दूर हो जाता है। ऐसा 3 महीने तक निरंतर करना चाहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। नंबर 27 कान दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं। इसके लिए आप लगातार ट्रोप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बंद करके आप प्याज को पीसकर उसके रस को कपड़े से छान लें, फिर उसको गर्म करके 4-5 बूंद कान में डाल दें। ऐसा करने से आपको कान का दर्द जल्द ख़त्म हो जाएगा, आपको डॉक्टर को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दादी माँ के घरेलू नुस्खों को जरूर अपनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।